कांग्रेस में आए शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सिंगल मतलब लीडिंग में रहेगी, लेकिन अजय निषाद ने माहौल बना लिया। यदि बात करें तो लालू यादव ने जिस हिसाब से इस बार टिकट शेयरिंग किया है तो 20 का इफेक्ट यानी 20 मई का जो चुनाव मुझे होगा उसका 25 पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इनकार नहीं कर सकते कि मोदी के नाम पर जो वोटिंग हो रही है तो जो मोदी के वोटर हैं ग्रामीण इलाके में हम लोग जाते हैं इलेक्शन कर रहे हैं तो मोदी के वोटर मोदी के साथ। ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा रूट पर निकलते हैं कुछ चुनावी मौसम की तरह यहाँ मिजाज नहीं है, 50-50 का मुकाबला हो गया है और कांटे की लड़ाई मुजफ्फरपुर में देखने को आ रही है क्योंकि जो वोट बैंक है महागठबंधन का जिसमें टूट बताई जा रही थी वो एकजुट हो गया है। एक बड़ा मुद्दा जो है पताही एयरपोर्ट तो मुजफ्फरपुर और इधर वैशाली दोनों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जो काम कुछ हुआ है उस काम से भी इनकार नहीं किया सकता। बीजेपी की ये सीट मानी जाती है कि बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से, लेकिन इस बार लड़ाई है कांटे की लड़ाई, कोई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है कहा नहीं जा सकता क्योंकि वोटर चुप्पा हो गया। बात की जाए तो यहाँ पे दोनों प्रत्याशी पुराने जो 2019 में थे वही 24 में है, सिर्फ दल बदल है ना कि लोग खुल के दलों का साथ देते थे पर इस बार कोई भी खुल के किसी दल के साथ नजर नहीं। जब ये प्रत्याशी बनाए गए तो इसके बाद ये इस दौर में बराबर कांटे की टक्कर देते हुए नजर। वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली में मुन्ना शुक्ला कहते हैं कि सब कुछ आड़ी धड़े टूट चुका है, क्या लग रहा है कि मुन्ना शुक्ला की जीत हो? देखिए जो मुन्ना शुक्ला के साथ घूम रहे हैं जो उनके सपोर्टर हैं वो वैशाली के वोटर ही नहीं, चूँकि 5 साल उन्होंने यहाँ रहा है, उनके पति दिनेश सिंह का राजनीति से समझिए कि पुराना जुड़ाव है और उसका उनको लाभ मिलता नजर आएगा। दिनेश सिंह जो बीना देवी के पति हैं उनके ताकत को भी इग्नोर नहीं किया सकता है, वो लगातार कई बार से पंचायती राज में मिलती रहे हुए। विकास की जो बात है तो विकास मोतीपुर जो क्लस्टर हब बना है वो वैशाली क्षेत्र में ही आता है। मुजफ्फरपुर नाव की जनता को मेरा नमस्कार, मैं राकेश चंद। अभी चुनावी हलचल पूरे देश में मची है और मुजफ्फरपुर में 20 तारीख को 5वें चरण में चुनाव होना है और 6ठे चरण में वैशाली लोकसभा में चुनाव होना है। ऐसे में हम जानते हैं कि यहाँ की जनता किस तरह से मूड बना रही है, उसके लिए हम कुछ पत्रकारों से बात करते हैं। हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। यहाँ 10 साल पहले जो सांसद रह चुके हैं वो कांग्रेस से है और इस बार एक नए प्रत्याशी फिर आए भाजपा से, क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति रहेगी? देखिए मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा रूट पर निकलते हैं कुछ चुनावी मौसम की तरह यहाँ मिजाज नहीं है लोगों का, चुनाव पर लोगों की दिलचस्पी भी नहीं है, 50-50 का मुकाबला हो गया है और कांटे की लड़ाई मुजफ्फरपुर में देखने को आ रही है क्योंकि जो वोट बैंक है महागठबंधन का जिसमें टूट बताई जा रही थी वो एकजुट हो गया है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कुछ मुजफ्फरपुर के लिए नहीं बोला है, ना ही मुजफ्फरपुर के की बात किया ज़्यादातर। ठीक है, तो इसका खामियाजा बीजेपी को लड़ाई में आ गई है, बीजेपी और महागठबंधन लड़ाई में है और लड़ाई में देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, लेकिन 50-50 का मुकाबला मुजफ्फरपुर में हो गया है। तेजस्वी का भी लगातार यहाँ दौरा हो रहा है, वोट एकजुट हो रहा है, महागठबंधन का एकजुट हो रहा है। बीजेपी की ये सीट मानी जाती है कि बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से, लेकिन इस बार लड़ाई है कांटे की लड़ाई है, कोई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है कहा नहीं जा सकता क्योंकि वोटर चुप्पा हो गया है, चाहे एनडीए का वोटर हो चाहे महागठबंधन का, सब शांत है। वही 6ठे चरण में होने वाले वैशाली के चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? वैशाली में देखिए वैशाली में भी कांटे की लड़ाई है, वैशाली में कांटे की लड़ाई है। अब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो देखने वाली बात होगी, वो वोट में एंटी इनकम्बेंसी दिखती है कि नहीं, और बूथ लेवल मैनेजमेंट वो किसका मजबूत होता है ये देखने वाली बात होगी, कौन जीतेगा हारेगा। दोनों ही सीटों पर कांटे की लड़ाई है, किसी को नहीं कह सकते कोई हार रहा है कोई जीत रहा है, लड़ाई कांटे की है। अभी हम बात करते हैं संदीप जी से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के, जी बताइए चुनाव का क्या स्थिति रहेगा यहाँ? देखिए मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों प्रत्याशी पुराने जो 2019 में थे वही 24 में है, सिर्फ दल बदल गया है। अब जनता का दिल अंदर की बात क्या है वो कोई खुल के इस बार बोल नहीं रहा है, चुनाव में जो पहले होता था ना कि लोग खुल के दलों का साथ देते थे पर इस बार कोई भी खुल के किसी दल के साथ नज़र नहीं आ रहा है पहली बार। दूसरा वही स्थिति वैशाली की भी है, जो लोग साथ में दिख भी रहे हैं वो दोनों तरफ दिखते हैं, जो चूंकि अजय निषाद बहुत 10 वर्षों तक भाजपा में रहे हैं तो भाजपा के लोगों की खूबी और खामियां दोनों उनको पता है कि भाजपा किस तरीके से लोगों के वोट को अपने ऊपर लाती है, तो ये खूबी उनको पता है और इसका फ़ायदा अजय निषाद उठा रहे हैं और इसी के कारण अजय निषाद जिनको शुरू में कहा जा रहा था कि अगर इनको टिकट मिलेगा तो भाजपा बुरी तरीके से हारेगी, इस कारण इनका टिकट कटा, पर ये कांग्रेस से जब ये प्रत्याशी बनाए गए तो इसके बाद ये इस दौर में बराबर कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी की सभा का भी असर दिखेगा चुनाव में इस बार? देखिए मोदी मुजफ्फरपुर के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा,
ज़्यादातर उन्होंने विपक्ष के बारे में ही कहा और विपक्ष के बारे में ही वो अन्य जगहों पे भी कहते रहे। तो जो हाजीपुर में कहा, जो उन्होंने यहाँ कहा, जो दरभंगा में कहा और अन्य जगहों पे कहा, वही उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा। मुजफ्फरपुर में कुछ नया उन्होंने नहीं कहा और उसका असर कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक पहले जो उत्साह था, मोदी लहर था, लोग मोदी को देखने पहुँचते थे, वो इस बार नहीं था। जो भीड़ थी वो बस भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस बार। जैसे पिछले चुनावों में मोदी के लिए जो एक लहर दिखती थी, वो लहर इस बार कम देखने को मिली। वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली में मुन्ना शुक्ला कहते हैं कि सब कुछ आड़ी दरे टूट चुका है। क्या लग रहा है कि अब मुन्ना शुक्ला की जीत होगी? देखिए, जो मुन्ना शुक्ला के साथ घूम रहे हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो वैशाली के वोटर ही नहीं है। अब लोग घूम रहे हैं भुमियाल के नाम पर, लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ जो लोग दिख रहे हैं क्या उनके वोटर हैं, ये भी देखना जरूरी है। और बीना देवी, चूंकि 5 साल उन्होंने यहाँ रहा है, उनके पति दिनेश सिंह का राजनीति से समझिए कि पुराना जुड़ाव है और उसका उनको लाभ मिलता नजर आएगा। जी, हम बात करते हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हुए मणिभूषण जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी बताइए, क्या स्थिति है चुनाव की इस वक्त? मुजफ्फरपुर की जो बात है तो एंटी इनकम्बेंसी जो था अजय निषाद, जो भाजपा के तत्कालीन सांसद थे, वह टिकट कटने के साथ खत्म हो गए। कांग्रेस में आए, शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सिंगल मतलब लीडिंग में रहेगी, लेकिन अजय निषाद ने माहौल बना दिया और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या तेजस्वी, जिस तरीके से मेहनत करने को, लेकिन भाजपा ने जो नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा की है, तो जो सुस्त पड़े थे भाजपा कार्यकर्ता रोटर, मोदी की सभा के बाद निश्चित रूप से वो जागृत हो गए और माहौल काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प हो चुका है। कहना मुश्किल है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार, कौन बढ़त में है, लेकिन जीत हार का जो आंकड़ा है, पिछले चुनाव में 4 लाख वाली नहीं रहेगी, 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में जीत हार का अंतर रहेगा। दोनों प्रमुख पार्टियों की यदि बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई है यहाँ पर और अपने अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। जातीय समीकरण को साधने के हिसाब से तैयारी की जा रही है, जो जिस जाति के नेता हैं या जहाँ पर चुनाव हो चुका है उस जाति के उस नेता को इस संसदीय क्षेत्र पर उतारा जा रहा है। मुजफ्फरपुर जीतने की कवायद दोनों पार्टियाँ प्रमुख रूप से कर रही है, तेजस्वी खुद बैटिंग कर रहे हैं। यदि महागठबंधन और राजद की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का प्रोग्राम हो चुका है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी और एनडीए के चेहरा हैं और उनके नाम पर वोटिंग, लेकिन एक चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि मोदी के नाम पर जो वोटिंग हो रही है, तो जो मोदी के वोटर हैं, ग्रामीण इलाके में हम लोग जाते हैं, लाइसेंस कर रहे हैं, तो मोदी के वोटर मोदी के साथ हैं। लेकिन एनडीए का जो घाटा दिख रहा है, तो अजय निषाद के जाने के बाद, जैसे मुकेश सहनी मल्लाह के नेता हैं और मल्लाहों को कहने के अपने और साथ चुके हैं, तो अजय निषाद को लेकर के मल्लाहों का जो वोट एनडीए की ओर दिख रहा था, कहीं ना कहीं उसको अजय निषाद अपने टिकट के कटने के साथ साथ अपने साथ लेकर के चले गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि भूमिहारों की नाराजगी कितनी है, क्योंकि बोचहा चुनाव में भूमिहारों की नाराजगी से बीजेपी करारी हार हो गई थी, तो उस गैपिंग को और कुढ़नी की यदि बात करें तो अकेला शशि रंजन जैसा युवा नेता ने ही बीजेपी को प्रेशर बढ़ा दिया था। 1 सप्ताह तक कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी सिंबल नहीं दिया गया, तो इसको साधने में दोनों पार्टियां लगी हुई है। जीत हार का अंतर कम रहेगा, अभी चुनाव में समय है 2-4 दिन, तो 3-4 दिन में माहौल बदल सकता है। अभी कहना मुश्किल है कि किसकी बढ़त है, दोनों तैयारी है और लड़ाई दिलचस्प है। मुजफ्फरपुर की वैशाली की यदि बात करें तो लालू यादव ने जिस हिसाब से इस बार टिकट शेयरिंग किया है, तो 20 का इफेक्ट यानी 20 मई का जो चुनाव मुजफ्फरपुर का, उसका 25 पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जातीय समीकरण को साधते हुए लालू यादव ने इस तरीके से मुन्ना शुक्ला जो भूमिहार समाज से आते हैं, और वैशाली, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर 3 संसदीय क्षेत्र में भूमिहारों में उनकी अच्छी पकड़ है, उनको टिकट दे दिया है। राजद का अपना वोट बैंक है, रघुवंश प्रसाद सिंह का एक बार जीते हुए, बीना देवी खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन दिनेश सिंह जो बीना देवी के पति हैं, उनके ताकत को भी इग्नोर नहीं किया सकता है। वो लगातार कई बार से पंचायती राज में एमएलसी रहे हुए हैं। विकास की जो बात है तो विकास, मोतीपुर जो क्लस्टर हब बना है वो वैशाली क्षेत्र में ही आता है। एक बड़ा मुद्दा जो है पताही एयरपोर्ट, तो मुजफ्फरपुर और इधर वैशाली दोनों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जो काम कुछ हुआ है उस काम से भी इनकार नहीं किया सकता है। और जो मोदी जी का कैंपेनिंग हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं मोदी का वोटर मोदी के साथ है, प्रत्याशी गौण हो जाता है, लेकिन लड़ाई दिलचस्प दोनों जगह है। मुन्ना शुक्ला ने भी वहाँ पर अपनी ताकत झोंक दी है और तमाम उनके समर्थक जो दूसरे जिले के भी हैं उनके साथ घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। राजद भी पूरी ताकत लगा दी है, एक एक विधानसभा में तेजस्वी का कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं से कहना मुश्किल है कि फेयर निकल रहा है बीजेपी या महागठबंधन निकल रही है। मुजफ्फरपुर जिले में जो 2 संसदीय क्षेत्र है, वैशाली और मुजफ्फरपुर, दोनों में मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। 20 मई का इफेक्ट 25 को भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि अजय निषाद यानी कांग्रेस के साथ एनडीए का वोट जाता है, मल्ला का वोट जाता है, भूमियारों का वोट जाता है, तो 25 को भी वहाँ इफेक्ट दिखेगा। यदि 20 को करवाया तो दोनों सीट का जो मतलब कम्बिनेशन है वह एक दूसरे से सटा हुआ है, जो कि एक ही जिला है, लोग आसपास में जुड़े हुए हैं,
और वैशाली की बात करें तो वहाँ मल्लाहों की अच्छी खासी संख्या है, और मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ भूमिहारों की निर्णायक संख्या है। यदि भूमिहारों का साथ मतलब महागठबंधन को मिलता है तो वहाँ पर भी होगी, तो दोनों सीट के जीत हार का प्रभाव करेगा। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल जी हैं, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है मुजफ्फरपुर और वैशाली की। देखिए, मुजफ्फरपुर शुरू से एक बड़ा हॉट सेंटर रहा है, खासकर डेवलपमेंट की बात हो तो भाजपा हमेशा से इस सीट पर साधने की कोशिश शुरू से करती रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी है और यहाँ से आसपास के कई जिलों को साधा जाता है, तो इसलिए केंद्र की नज़र भी इस सीट पर विशेष रूप से रहती है। बात करें लड़ाई की तो इस बार जो है वर्तमान जो सांसद है उन्होंने पाला जो है वो बदल लिया है, तो ऐसे में थोड़ी लड़ाई जो रोचक इसलिए हो गई है कि चूंकि महागठबंधन के जितने घटक दल हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल हो, वीआईपी हो और कांग्रेस पार्टी हो, तो उन्हें वो ये लड़ाई उनकी लड़ाई बन गई। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर के लिए विकास एक मुद्दा शुरू से रहा है। वर्तमान प्रत्याशी की बात करें जो कांग्रेस में भी गए हैं, उन्होंने निजी तौर पर मुजफ्फरपुर के लिए कुछ नहीं दिया। पता ही एयरपोर्ट का मुद्दा रहा है तो केंद्र सरकार ने इस बात को बराबर बोला है कि यहाँ पर ज़मीन एक्वायर राज्य का मुद्दा है, इस कारण वो नहीं बन सका। दूसरा एम्स का मुद्दा है तो इसमें भी वर्तमान सांसद पे लोग सवाल उठाते हैं, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर का एम्स दरभंगा चला गया। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस कारण मोदी की सभा से लोगों को, यहाँ की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ इस तरह का बात नहीं किया। क्या लग रहा है कि इस कुछ घोषणा नहीं करने के कारण यहाँ चुनाव पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से मेरे हिसाब से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब बात करते हैं तो वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, सड़क नाले और छोटे छोटे मुद्दों पर नहीं बात कर सकते, वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ साफ इशारों में हवाई अड्डे की भी चर्चा की है, उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी की बात की है। जब वो अपनी भाषण को समाप्त कर रहे थे तो उन्होंने हवाई अड्डा, सड़क और रेलवे में लगातार जिस तरीके से काम हो रहे हैं उसकी बात की है। काम की बात करें तो 2014 से लेकर 2024 तक 70 एयरपोर्ट पूरे इंडिया में बनाए गए हैं। ऐसे में पता ही एयरपोर्ट तो यहाँ के लोगों के लिए मायने रखता ही है, लेकिन जो इसकी समस्या थी वो राज्य सरकार से लैंड एक्विजिशन की समस्या थी। वैशाली की बात करते हैं, क्या स्थिति है वहाँ, क्या लग रहा है? वैशाली में भी लड़ाई इस बार जो है कांटे की लड़ाई है, लेकिन फिर भी बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली से माहौल बदला है, क्योंकि अभी जो वोटर दिख रहे हैं 50% वोटर जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कोई किसी के पक्ष में है, कोई किसी के पक्ष में है, 50% वोटर अभी भी साइलेंट मूड में है, और ये एनडीए का वोटर माना जाता है। 2019 के चुनाव की बात करें तो 50% वोटर साइलेंट वोटर थे, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कैटलिस्ट का काम करती है। तेजस्वी का भी लगातार यहाँ दौरा हो रहा है वैशाली और मुजफ्फरपुर में, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, मेरे हिसाब से लगता है कि वो उनको भी लग रहा है कि अब जो है कुछ बदलने वाले हैं। हालांकि तेजस्वी की सभाओं की बात करें तो उनकी जितनी रैलियां हो रही है एक ही मुद्दे होते हैं, एक ही बात को वो बार बार बोलते हैं। मुजफ्फरपुर में बीते 3 दिन में उनकी 2 सभा हुई, मुकेश सैनी के साथ वो ज्वाइंट जो है वो सभा कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे उनके एक ही रहते हैं, एजेंडा उनका जो है वो कहीं पर नज़र नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी की सभा से लोगों का मन बदलने वाला है। जो जिनका मानसिकता पहले से बना हुआ है कि मैं इनके साथ रहूंगा, उस सभाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाला। तो आपने सुना कि मुजफ्फरपुर के पत्रकारों ने क्या कुछ कहा है, बने रहिए मुजफ्फरपुर नाव के साथ।